कृष्ण, हैप्पी एकादशी। तो आज हमारा एकादशी का उपवास है, तो उपवास के लिए हम फराड़ में नाश्ता के तरीके से एक रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे, साबूदाना की स्टिक। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे उपवास में खा सकते हैं वैसी स्टिक। तो हमने यह स्टिक बनाने के लिए साबूदाना आलू का उपयोग किया है। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक आधा कप साबूदाना ले लिया है। उसको हम पहले उसके सेक लेंगे ऐसे ही कच्चा, क्योंकि हमारे इसके अंदर मॉइस्चर होता है वो सब निकल जाएगा। इसके लिए हमको सेकना जरूरी होता है क्रश करने के पहले। साबूदाना हम सेकते हैं तो उसका मॉइस्चर निकल जाता है, तो वो दांत में चिपकता नहीं है। ऐसे ही आप क्रश करोगे सेकने के बिना, तो वो दांत में चिपकता है। इसके लिए हम उसको इस मॉइस्चर निकाल देते हैं पहले। तो आप देख सकते हो कि हमारा एकदम मस्त तरीके से सीख कर बन गया है। तो हम उसको मिक्सर जार में ले लेंगे इस तरह से क्रश करने के लिए। मिक्सर जार में हम ऐड कर देंगे। मैंने ऐड कर दिया है। तो मेरे पास तीखा मरी का पाउडर भी नहीं था, तो हम मरी को भी इस तरह से इसके अंदर ही डाल देंगे कि उसका भी इसके साथ क्रश हो जाए। तो मिक्सर जार में मैंने उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। एक बाउल के अंदर मैंने 3 आलू ले लिए हैं। उसको हम मैश कर लेंगे। उसको मैंने उबाल लिया था पहले ही। ये रेसिपी आप आलू उबाल कर तैयार हो तो हमारी ये रेसिपी 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, एकदम जल्दी और इंस्टेंट, और खाने में भी एकदम मस्त होती है। तो बच्चे लोग उपवास नहीं करते, उसको भी यह रेसिपी बनाकर खाने के लिए उपवास रहने लगेंगे। तो इस तरह से मैंने जो डाला क्रश करके साबूदाना रखा था वो भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमने मरी का पाउडर डाला था, उसकी तिखास भी आ जाएगी। और अब हम सिंगदाने का भूका भी थोड़ा ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए, उसका टेस्ट अच्छा लगता है इसके लिए। और हरा धनिया ऐड करेंगे थोड़ा। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नींबू ऐड करेंगे। और उसको अच्छी तरह से डो बना लेंगे। एकदम खट्टा तीखा जैसा एकदम मस्त टेस्ट आता है ये स्टिक का। हमारा जो आलू का मिक्सचर था इसके अंदर ही हमारा ये डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा अच्छी तरह से डो बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसके अंदर कोई पानी वानी डाला नहीं है। और ये मैंने एक प्लेट के ऊपर जो हमारी वेफर का पैकेट आता है ना, इस तरह का वेफर का पैकेट मैंने खोलकर रख दिया था। आप इसके बजाय बटर पेपर भी ले सकते हो, मगर मेरे पास अभी बटर पेपर ख़त्म हो गया था, तो मैं ये पॉलीथीन भी ले सकते हो, इससे भी चलता है, नीचे चिपकेगा नहीं। इस तरह से लुआ थोड़ा बड़ा करके हाथ की मदद से मैंने ऐसा कर लिया है। हाथ की मदद से फैलाने के बाद हम उसको बेलन की मदद से भी इस तरह से कर सकते हैं। और जो हमारा
कट लग जाता है उसको हम थोड़ा थोड़ा हाथ की मदद से प्रेस करके अच्छा बना लेंगे इस तरह से। और अब हम इसकी स्टिक कट करेंगे इस तरह से छोटी छोटी। एकदम पतला भी नहीं और थोड़ा मोटा भी नहीं, ऐसा कट करना है। इससे हमारी स्टिक मस्त एकदम क्रिस्पी और करारी होगी। इस तरह से मैंने बीच में से भी कट लगा दिया है कि हमारी स्टिक एकदम अच्छी हो जाए इसके लिए। और इस तरह से चप्पू की मदद से मैंने बीच में से एक स्टिक निकाल कर आपको दिखाई है। तो आप देख सकते हो हमारी स्टिक इस तरह से अच्छी तरह से हो गई है। तो हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल गरम हो गया है तो हम एक एक करके सब स्टिक इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। इस तरह से मैंने गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमको स्टिक को पकाना है। इस तरह से धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे और उसको एकदम पकने के लिए छोड़ते जाएंगे। देख सकते हो हमारी गोल्डन ब्राउन होने लगी है तो उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हो एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक मैंने सेका था, तो एकदम मस्त करारी क्रिस्पी और खाने में भी एकदम टेस्टी ऐसा नाश्ता की रेसिपी फराड़ में बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसको केचप के साथ या दही के साथ खा सकते हो। चलिए फ्रेंड, हमने साबूदाना की स्टिक की रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। तो इस रेसिपी पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना भूले नहीं। और ये रेसिपी आप भी घर पर जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। बाय।